दो दिन के भारत दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर स्वागत किया। मोदी के साथ 22 किलोमीटर लंबा रोड शो का ट्रंप मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में शामिल हुए। साबरमती आश्रम पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ने चरखा चलाया। विजिटर बुक में ट्रंप ने मैसेज लिखा। शाहीनबाग मामले में सुप्रीम कोर्ट में वार्ताकारों ने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपी। मामले में बुधवार को अगली सुनवाई। शाहीनबाग धरने का आज 72वां दिन। दिल्ली के जाफराबाद में सीए पर बवाल। दूसरे दिन भी प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। जाफराबाद अमौजपुर बाबरपुर मेट्रो स्टेशन को सुरक्षा कारणों से बंद किया गया। यूपी के अलीगढ़ में सीए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े। अगले 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद। गैंगस्टर रवि पुजारी को सेनेगल से भारत लाया गया। बेंगलुरु पुलिस ने कहा वो पूछताछ में सहयोग कर रहा है। कोर्ट में पेशी आज। चीन में कोरोना वायरस से 2500 से ज्यादा लोगों की मौत। दक्षिण कोरिया में 161 नए मामले सामने आए। मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद का प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा। ट्वीट कर इस्तीफे की घोषणा की। और वेलिंगटन टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार। चौथे दिन न्यूजीलैंड ने 10 विकेट से हराया।